अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आई हूँ फिर से एक व्लॉग लेके, और इंशाल्लाह आज दिन भर का जितना रूटीन होगा मैं आपके साथ में दिन भर का रूटीन शेयर करूँगी। टाइम बहुत लेट हो रहा है, 11:30 हो रहे हैं, आज छुट्टी थी तो बस अभी उठी हूँ मैं। और मेरा फेस आप देख सकते होंगे, मैंने अभी मुँह भी नहीं धोई हूँ, बस नींद से उठी हूँ। और आज सोचा था कि व्लॉग करूँगी तो व्लॉग लेकर बैठ गई हूँ। तो बस अब मैं, मेरा घर देखो, अभी बिस्तर वगैरह ऐसी सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, और अभी मेड भी आई नहीं है बर्तन के लिए, तो उसके आने से पहले मैं जब तक नाश्ता चढ़ा दूँ और जब तक फिर मैं मुंह धो लूँ और अपने बाकी के काम कर लूँ और आप लोगों को मिलती हूँ, बताती हूँ जो भी कुछ कुछ कर रही हूँ। तो चलो मिलते हैं। ये माहित के लिए एग बॉयल होने रख दी हूँ, और यहाँ पे मैंने बेसन का चीला बनाने के लिए बैटर रेडी कर दी हूँ। ये मेरी काम वाली भी आ चुकी है। मेरा नाश्ता बनने के लिए तो मैंने रख दिया है, अंडे बॉयल हो रहे हैं और जब तक आंटी आ गए हैं वो बर्तन धो रहे हैं। तो मैं क्या करती हूँ कि जब तक मैं अपना हॉल जो है ना वो झाड़ लेती हूँ, हॉल झाड़ के, हाँ बेटा बस बॉयल हो रहा देर देखिए। तो मैं जब तक वो हो रहा है ना, मैं जब तक एक एक हाथ घर झाड़ लूँ, बिकॉज घर में जाले बहुत हो गए हैं, तो वो सारा कचरा जब नीचे आ जाएगा तो झाड़ू पोछे में वो सारी चीज़ें निकल जाएगी। तो फटाफट मैं लगती हूँ मेरे काम में। ये रहे जी मेरे पैरेट, अब मैं इनको उठा के बाहर रख दूँ, रात को इनको अंदर ले लेते हैं हम लोग क्योंकि ठंडी बहुत ज़्यादा है। ये मेरा नाश्ता डन है, बेसन का चीला, और मैं तो एग खाती नहीं हूँ, माहित के लिए एग है और इसी से हम लोग अपना नाश्ता करेंगे आज। मैं आ गई हूँ किचन में, मेरी बाहर की सारी क्लीनिंग हो गई है, नाश्ता पानी सारी चीज़ें हो चुकी है, अब बनाना है खाना। तो ये मैंने फ्रीज़र में से थोड़ा सा कुछ चिकन निकाली हूँ, और मेरे पास पालक रखी हुई थी थोड़ी सी, तो इस पालक में चिकन डालकर चिकन पालक बना दूँगी जो बने वो। इस चिकन और पालक को बनाने की तैयारी करती हूँ। चिकन थोड़ा सा पानी में रख दूँ क्योंकि पता है आपको फ्रीज़र में से निकाला है तो रखना तो पड़ेगा, और फिर जब तक मैं दाल चढ़ा दूँ, चावल धो दूँ, तो बस फटाफट मिलती हूँ आपसे। आज ये खाना पकाने का जो भी काम है दिन में ही कर लूंगी, तो रात को थोड़ी सी फ्री रहूंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये रहा मेरा कुकर। सॉरी, मेरा कॉल आ गया था तो मैं कॉल पे चली गई थी। ये थोड़ा एडजस्ट करते रहना पड़ता है। तो मेरे पास में दाल है, मसूर की, मूंग की, चने की, ये थोड़ा सा कुछ गर्म मसाला है, और है ये अखे मसूर की। तो आज मैं ये अखे मसूर की दाल जो है ये बनाऊंगी। और बाकी सारी दालों को रिटर्न अंदर। इसे अच्छे से धो लो पहले। ये निकल गए मेरे राइस। तो मेरी चाय, क्योंकि चाय बहुत थोड़ी बनाई हूँ, तो बाकी सारी चीजें भी बहुत थोड़ी थोड़ी सी संभाल के डाल रही हूँ कि कहीं कुछ ज्यादा ना हो जाए। ये चाय उबलेगी जब तक कुकर में सारी चीजें डालेंगे हम। इसमें जाएगा थोड़ा सा जीरा, हल्दी। हाँ बेटा,
अभी अभी तो सुबह हुई है। थोड़ा सा नमक, एक छोटी प्याज, इसमें मैं डालूंगी अदरक लहसुन और हरी मिर्च, बस इतनी ही चीज इसमें जाती है। और सबको पता है, जो लोग ये मेरी फैमिली में तो सारे लोग बनाते हैं, ये दाल बहुत अच्छी लगती है, ये मेरी फेवरेट दाल है। अब बारी आती है आटा गूंदने की। जब तक दाल हो रही है, एक गैस पे चाय बन रही है, मेरा आटा भी गूंद जाएगा। हार्डली 10 मिनट लगा मुझे ये सारी चीज करने, और 10 मिनट में अब शायद मेरा 15 मिनट में मेरा सारा कुछ हो गया। चावल उबल गए, दाल पक गई। खाना बनाने खड़े हो तो आधे घंटे में चाय चीजें बन जाती है फटाफट। कल का ना थोड़ा सा आलू रखा हुआ है, कल रात को मैंने सैंडविच बनाया था तो आलू रखा हुआ है, तो अभी दोपहर में मैं देखती हूँ ये जो पालक और चिकन बनाऊंगी ये रात के लिए हो जाएगा। तो अभी दोपहर में उस आलू का मैं कुछ कर दूंगी, लाइक रोटी में अच्छे से लगा के और रोटी को फ्राई कर लूंगी ऊपर नीचे, तो वो एक रैप जैसा हो जाएगा। तो वो अभी दोपहर में माहित को और इनको दे दूंगी। बाकी ये जो पालक और चिकन होगा वो रात के लिए रोटी के साथ में हो जाएगा। तो रात तक का खाना बन गया है, और दाल और चावल तो मेरे लिए, क्योंकि मैं जल्दी रोटी नहीं खाती हूँ, तो दाल चावल मेरे लिए बनाते हैं। डबल चिन नहीं जा रहा है, क्या करूँ, बस यहाँ से थोड़ा दिखता है, बाकी तो यहाँ से नहीं जा रहा। मेरी चाय हो गई है रेडी, लेकिन चाय पीने से पहले मैं मेरी दवाई पी ली। मेरी दवाई रह जाती है पीने की सुबह में, तो पहले मैं अपनी दवाई खा लूँ, उसके बाद चाय पीऊँगी। Enjoying my tea. बीच में अम्मी का फोन आ गया था, तो अम्मी से बात करते करते मैंने सारा काम कर लिया और मैं आपको बता नहीं पाई कि मैंने क्या क्या की हूँ। तो ये देखो, मैंने पालक काट ली हूँ अच्छे से, और यहाँ पे मैंने चिकन थोड़ा सा भूनने के लिए रख दी हूँ। चावल मेरा बन गया है, चावल रेडी है, बन गया है, और मेरी दाल भी रेडी है, और अभी इनका भी ऑफिस से, और आटा भी देखो गूंदा हुआ है। बस अभी रोटी बनाने ही जा रही थी, बट इनका फोन आया है ऑफिस से कि इनको भूख लगी है, तो ये मुझे बोल रहे हैं कि जो घर पे बना हुआ है वही ला के दे दो। तो फिलहाल अभी दाल और चावल तो बन ही गया है, तो मैं फटाफट इनका टिफिन पैक करती हूँ, इनको टिफिन देकर आती हूँ, जब तक कि ये चिकन भी भुन जाएगा और ये भी हो जाएगा, फिर उसके बाद आके हम लोग अपने खाने का करेंगे। मम्मी से बात कर रही थी, काफ़ी टाइम हो गया, और बात करते करते मैं काम करती गई और मैं व्लॉग नहीं कर पाई। तो बस मैं फटाफट अभी टिफिन पैक करके जो है निकलती हूँ, इनको टिफिन देकर आती हूँ, बाकी का जितना किचन का काम रह जाता है वो सब आने के बाद करूँगी। तो मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद में, क्योंकि मैं बहुत जल्दी में हूँ, जब तक के लिए बाय बाय। मैं अपने मकाम पे पहुँच चुकी हूँ टिफिन लेके, अभी इस बंदे का इंतज़ार है, ये आएंगे अपना टिफिन लेकर जाएंगे और घर जाके मैं बाकी का अधूरा काम करूँगी। खाना रेडी है, और मैंने बाकी सारा आटा उठा के फ्रिज में रख दी हूँ, और पूरा काम हो गया, अभी किचन साफ करना रह गया है। पहले उसको खाना दे दूँ। माही, लो आपका फूड, रोटी फिनिश होगी तो बोलना, चावल दे दूँगी, ठीक है। मेरा किचन हो गया है डन, पूरा क्लीन हो गया है। ये जो कपड़े मैंने धोने के लिए डाले थे जो कि सूख चुके हैं, तो अभी ये रस्सी पे जाएंगे। मैं थोड़ा सा नहा ली हूँ, थोड़ा सा फ्रेश हो गई हूँ, अब है मेरे खाना खाने की बारी। तो बस अब मैं अपना खाना खाऊंगी और थोड़ी देर आराम करूँगी, उसके बाद उठ के इंशाल्लाह माहित को गार्डन लेकर जाऊँगी। तो जब तक अपना खाना खाती हूँ।
मैं दोपहर में थोड़ा सा सो गई थी तो मैं उसके आगे वीडियो नहीं बना पाई। उसके बाद मैं जो है अभी शाम को उठी हूँ, चाय पीकर थोड़ा सा बैठी हूँ। मेरी सर में बहुत दर्द है, तबीयत थोड़ी सी लो लग रही है और आंखें जो है ना ऐसा लग रहा है मुझे नींद आ रही है, आंखें बहुत जल रही है। मैंने कई बार वापस लेटी कि आँख बंद करके लेटी हूँ थोड़ा अच्छा लगे, लेकिन अच्छा नहीं लग रहा, तबीयत खराब लग रही है। और थोड़ा सा खाना भी अभी मैंने इसीलिए थोड़ा जल्दी खा लिया, मैंने कहा कि मैं खाना खा लूँ फिर उसके बाद अपना आराम से बैठी रहूँगी। तो आज का व्लॉग तो मैं मेरे ख्याल से अब तो और कुछ है नहीं, रात को 9 बज गए और तो कुछ है नहीं करने के लिए, तो आज का व्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी। मैं 2-4 दिन पहले कहीं एक बीच पर गई थी और वहाँ पे बहुत प्यारा सा मैंने एक सनसेट देखा था। मैं वो उतना सा सीन जो है मैंने लिया हुआ है तो मैं आपको ज़रूर वो क्लिप डाल दूँगी इसमें, तो आप लोग देख लेना। और डेली रूटीन में कुछ खास होता नहीं है, करने वही काम करो, वही खाना बनाओ, कुछ नहीं नया, तो इसीलिए मैं जल्दी बताती नहीं हूँ। कुछ एक्साइटिंग हो लाइफ में तो मैं आपको बताऊँ, लेकिन फिर भी आज मन था कि मैं जो है डेली रूटीन आपके साथ में शेयर करूँ। तो डेली रूटीन मैं आपके साथ में आज मैंने पूरा दोपहर तक, शाम तक इवन मैंने सारी चीज़ आपके साथ शेयर की है। तो इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। और अभी अगर मेरा कहीं बाहर जाना होता है अभी ये व्लॉग करने के बाद भी, जैसे मैं कहीं पर भी राउंड मारने के लिए निकलूँगी, अगर निकली तो वो भी डाल दूँगी इस क्लिप में। अदरवाइज़ आपसे मिलती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।